चलो, चार पॉइंट तीन चल रही थी दसवीं क्लास में, तो एक्सरसाइज 4.3 में कितने हो गए हैं देख लो एक बार, छह सात कितने हुए, सात हो गए, सात बार करना है तो हो गया, सात बार करवा दिया गया, ठीक है, आठवा एक रेलगाड़ी एक समान 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि 4-5 किलोमीटर की होती तो वह उसी यात्रा को एक घंटा कम समय लेते, ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेल और गाड़ी की चाल वो x किलोमीटर पर आवर है, मान लो x किलोमीटर पर आवर है, अब ये क्या बोल रहा है कि यदि ये रेलगाड़ी 5 किलोमीटर अधिक समय लेती तो नई चाल में डायरेक्टली नई चाल क्या हो जाएगी, x प्लस 5, ये हो गई नई चाल, 5 किलोमीटर अधिक, 5 सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चला दी, अब 360 किलोमीटर दूरी तय करनी है इनको, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो बता x किलोमीटर की चाल है तो समय क्या होगा, x किलोमीटर की चाल है तो समय क्या होगा, दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी हो जाएगी x, और उसी प्रकार सेकंड, सेकंड वाला समय क्या हो जाएगा जिसमें अगर इसकी स्पीड बदले, नया समय क्या हो जाएगा x प्लस 5 वाला, 360 बटा x प्लस 5। अब इसने क्या बोला है कि इस और इसका जो अंतर है वो 1 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा कम समय लेती है, इसकी चाल बढ़ जाती है, तो जब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें प्रश्न अनुसार आपको क्या करना है, जो ये है इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि 1 घंटा कम समय लगेगी, 1 घंटा कम समय लगेगी जब चाल बढ़ जाती है। अब इस समीकरण को आपको हल करना, कैसे करोगे, 360 कॉमन ले सकते हो आप, 1 बटा x माइनस 1 बटा x प्लस 5 बराबर 1, अब ये 360 इसके डिवाइड में यार नहीं भेजोगे तो भी चल जाएगा, इसको पहले हल कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा, LCM x गुना x प्लस 5, ये LCM आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये माइनस x बराबर 1, अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का x माइनस का x कट जाएगा तो क्या आएगा, x से x कट गया तो ऊपर क्या बचा 5 अपॉन में क्या x और x प्लस 5, अरे क्लियर है क्या, केवल एलसीएम ले रहे, ठीक है, आगे देखो, इसको आगे 360 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 को 5 से मल्टीप्लाई, और नीचे इसका मल्टीप्लाई x इनटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस प्लस 5x बराबर 1, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आया, इनका मल्टीप्लाई कितना आया, 1800 आ रहा है, 1800, अब ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 1800 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, इसकी समीकरण क्या बन जाएगी आपके, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, ये आपकी क्या है समीकरण, अब इसको हल करके आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पहले यहाँ तक लिखो, यस सर, चलो क्वेश्चन हो गया, इसके गुणनखंड देख लो अगर नहीं मिल रहे हो तो 40-41 और 40 ये दोनों रख लेना, ठीक है, इससे आपके आंसर आ जाएगा 45-40 वाला, तो इसका नेक्स्ट सवाल कर दिया, देखो अरे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया अपने, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है, दो पानी के नल हैं, उनमें से एक साथ औज भी इतने में भर सकते हैं, बड़े का व्यास नल है भिन्न में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता, ठीक है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से भरने में लिया गया समय, तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, प्रश्न नंबर 8 है, सॉरी 9 है, माना छोटा व्यास वाला जो नल है, नल वो कितना समय लेता है, नल का समय क्या मान लो, x मान लो तो बड़ा जो व्यास वाला है, जो समय होगा वो क्या होगा,
x माइनस 10, इससे 10 घंटे कम समय लगा। अब आपको क्या करना, प्रत्येक को अलग अलग समय ज्ञात करना है। तो अब देखो दोनों को, अगर आप इसने क्या बोला है कि घंटे भरने का समय लगता है, एक घंटे में कितना भरा जाएगा, एक घंटे में छोटे नल द्वारा, छोटे नल द्वारा और बड़े वाले द्वारा, बड़े से क्या हो जाएगा 1/(x-2)। अब ये एक साथ भरेंगे प्रश्न अनुसार, ये एक साथ करेंगे, एक साथ होगा तो बराबर 9/3/8। अब इसको हल करना आपको, इसको कैसे हल करते हैं, इनका मल्टीप्लाई प्लस ये, ठीक है। तो 9 × 8 कितना हो गया 72, 72 प्लस 3 कितना हो गया 75/8। इसमें एलसीएम लेने के लिए क्या हो जाएगा, x × x-10, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, x बराबर 75/8। ऊपर क्या हो जाएगा 2x-10, नीचे क्या हो जाएगा x²-10x बराबर 75/8। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आगे इसको कैसे हम करेंगे कि x²-10x और ऊपर क्या है 2x-10 है बराबर 75/8 है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना आपको, 2x-10 = 75x²-10x। अब इसके साथ करेंगे 8×16x और 80 हो जाएगा, यहाँ पर 75x²-750x, सबको एक साइड करना आपको, तो 75x²-750x ये उधर जाएगा तो माइनस का, और ये उधर जाएगा तो प्लस का। अब देखो 75x² तो है ही है, ये माइनस करो, कितना प्लस करेंगे, सॉरी कितना हो जाएगा माइनस के 766x प्लस 80 = 0। अब इस समीकरण को आपको हल करना है, साइड में जाने यार। अरे वही देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर। जल्दी से देखो यहाँ पर थोड़ा सा, दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, और आपको क्या कहा, सवारी गाड़ी एक घंटा कम समय लेते हैं एक्सप्रेस से, ओके, और एक्सप्रेस की और चार औसत चार 11 अधिक है एक्सप्रेस की, दोनों की है। तो माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल क्या होगी, एक्स मान लो, तो एक्सप्रेस की हो जाएगी, एक्सप्रेस की चाल क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस की चाल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 11, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है, और इसकी क्या हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। कैसे होगी, इसने बोला है कि एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर तेज चलती है, ठीक है, 11 किलोमीटर की स्पीड से तेज चलती है। अब इसने क्या बोला है कि इनके बीच की जो दूरी है, दूरी आपको दी गई है 132 किलोमीटर, इतनी दूरी दी गई है। अब एक घंटा कम समय लेती है, तो ये सेम क्वेश्चन वो पानी वाला जो था उसी टाइप का है। देखो प्रश्नानुसार से पहले ये बता दो कि समय बराबर क्या हो जाएगा, x/1 तो हो जाएगा x/132, दूरी बटा चाल होता है, ठीक है, तो दूरी 132/x, दूसरा समय क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस गाड़ी का समय क्या हो जाएगा 132/x+11। अब इसने बोला है कि ये जो एक्सप्रेस की चाल है ये एक घंटा कम समय लगी, तो ये कुल मिला के बड़ा समय है, इसमें से आपको क्या करना है 132/x+11 वाला माइनस करना है, जो कि 1 के बराबर है प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार ये समय इससे कम समय लेते कितना 1 घंटा। अब इसको एलसीएम लेके हल करना आपको, सेम क्वेश्चन है, इसको 132 आप एक साइड ले लो पहले, तो ये इधर आ जाएगा x+11 - x = 1, x से x कैंसिल हो गया, 132 अंदर क्या बचेगा 11/x x+11 =
वन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 132 और 11 का मल्टीप्लाई करना है, इसको आप हल करोगे 132 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके बताओ जरा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। तो इधर क्या आ जाएगी समीकरण टोटल क्या आ जाएगी, 132 इंटू 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। तो इसको आप इसका मल्टीप्लाई कर लिया आपने, 1452 ठीक है, और ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये इधर माइनस में जाएगा तो 1452 इक्वल्स टू 0। ये फाइनली आपके पास क्या आ गई है समीकरण, इसके आपको टुकड़े करने और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कर लोगे टुकड़े तो ठीक है, तो इतना लिखो जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपके, कर लेना ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है उसको भी एक बार जल्दी से कर लेते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 4, 6, 8 है, क्षेत्रफलों का योग ठीक है, और उनके परिमाप का अंतर दिया गया 24, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। माना क्वेश्चन नंबर 11 है, माना एक वर्ग की भुजा x मान लो और दूसरे वर्ग की भुजा y मान लो। अब मुझे बताओ जरा, महावीर बताएगा कि वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग के परिमाप का सूत्र चार इंटू भुजा। यस, तो पहला जो पहला है फर्स्ट वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4x, और सेकंड वाला सेकंड वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4y। ये बात तो क्लियर है। अब इसने प्रश्नानुसार क्या बोला, इनके वर्गों सॉरी इनका जो परिमाप है उनका अंतर दिया गया, तो परिमाप का अंतर कितना 24 है, यानी मैं ऐसा कर लूं 4x - 4y बराबर 24, तो 4 आप कॉमन ले सकते हो, तो x - y इक्वल्स टू 24, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो x - y बराबर 24/4, यानी x - y बराबर क्या आ जाएगा 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी y + 6 + y, ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो दूसरा इसने बोला वर्गों का क्षेत्रफलों का योग है, यानी कि उनके दोनों के थोड़ा सा देखो पुनः प्रश्न अनुसार क्या होगा, पुनः प्रश्न अनुसार क्षेत्रफलों के वर्गों क्षेत्रफल जो होगा उनका योग है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब भुजा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसका इनका जो योग है वो कितना है, वो कितना दिया गया है 468। अब देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास 6 प्लस वाई है, तो एक्स की जगह 6 प्लस वाई रख दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2ab यानी 6 दूनी 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखो y स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर और 12y प्लस 36 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस के 468 बराबर 0। अब देखो 2y स्क्वायर और प्लस 12y ये इसमें से आपको माइनस करना, क्या करना माइनस करो जल्दी से, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 432। अब इसमें से दो कॉमन ले सकते हो आप, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस ये हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0, ये आपकी क्या आ गई है समीकरण आ गई है y के रूप में, हर बार x के फॉर्म में आती है इस बार y के फॉर्म में आई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू से आप इसकी सहायता से x की वैल्यू भी निकाल लोगे, ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी और ये आपका आंसर होगा, तो कर लोगे ये क्वेश्चन ठीक है, तो बाकी अपने कल करेंगे ठीक है।